अभी ये माता जी लक्ष्मी बनेंगी कैसे? रोज सब्जी काटती है घर में, झाड़ू लगाती है, तो भी लक्ष्मी बन सकती है। अभी झाड़ू लगाते लगाते बाबा मैं आप ही शरीर को झाड़ू लगा के स्वच्छ करते हो, बाबा मैं आपका सेंटर स्वच्छ कर रहे हूँ, बाबा मैं आपके मकान को स्वच्छ कर रहे हूँ, आपके आंगन में झाड़ू लगा रहे हूँ, बाबा आपके लिए खाना बना रहे हूँ, बाबा आपके लिए कौन सी सब्जी बनाऊं, बाबा आपने मुरली में ये कहा था, ज्ञान का चिंतन करते करते कर्म कर रहे हो, वो कर्मों का संस्कार नहीं बन रहा है, ज्ञान का संस्कार बनता है। तब कहे कर्म आपका भाग्य बना, कर्म आपका भाग्य बिगाड़ता भी है। कर्म से ही आप देवता भी बन सकते हो, राक्षस भी बन सकते हो, शूद्र भी बन सकते हो, आपके हाथ में है कर्म कैसा करना। तब बाबा आके कर्म योग सिखाता है, घर में रहो, झाड़ू लगाओ, सब्जी काटो, बाथरूम साफ सफाई करो, कपड़े धो, और जाने, लेकिन वो कर्म करते समय आपके मन में क्या चल रहा है? हाँ, ये कर्म आपके विकर्म बन जाता है। कर्म करते करते ये सोच रहे हो, मुझे तो भगवान ने देखो झाड़ू लगाने का काम दिया, मुझे यही करना पड़ता है, ये लोग कोई करते नहीं, मुझे ही कर, ये सोचते सोचते कर रहे हो, तो उसी के संस्कार बन गए, शरीर छूट गया। ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ रोज झाड़ू ही लगाना, समझा? जैसे कर्म भरा ऐसा आवाज आएगा ना, आपको गीत कैसा, रोते रोते आपने गीत गाया, आवाज कैसा आएगा? अच्छा आवाज आना चाहिए, होगा रोते रोते आवाज आएगा। तो कर्म करते समय किस स्मृति से कर्म करें, कोई भी कर्म करो, कर्म खराब नहीं, कर्म करने की विधि चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कर्म योग, संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, कर्म बाबा की याद करते करते कर्म करो। बाबा की याद क्या? उदाहरण कपड़े धो रहे हो, बाबा आप भी धोबी हो, मैं भी देखो आपके बच्चों के कपड़े धो रहे, आपके बच्चों के कपड़े धो रहे हो, आप भी हमारे धोते हो, आप भी धोबी, मैं भी धोबी हूं, बाबा से बात करते करते कर्म करो। तो अंदर क्या रिकॉर्डिंग होगा? कर्मों का रिकॉर्डिंग में होता है, जो अंदर चिंतन चल रहा है वो रिकॉर्डिंग हो गया, वो आपके साथ जाएगा। समझ में आया? हाँ, ऐसा नहीं कहना कि हम रोज मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, फिर भी मेरे मैं ऐसा क्यों हूं? सुनते हो, लेकिन कर्म करते समय उस याद से कर्म नहीं किया। कर्म आपका सौभाग्य पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है, कर्म ही कर्म भ्रष्ट बनाता है, कर्म ही मनुष्य को शूद्र बना देता है, कर्म ही मनुष्य को देवताओं का देवता बनाता है, राजा बना देता है। तो कर्म कैसे करना, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कर्म योग सिखाया जाता है। संन्यास नंबर वन कर्म योग है, कर्म संन्यास नहीं है, कर्म छोड़ना नहीं। कभी कहेंगे मुझे रोज खाना बनाने पड़ता है, मैं मुरली सुनने जाओ, मैं योग करने जाओ, नहीं, ये ऐसे नहीं करना। कर्म करते करते मुरली सुनते रहो। आज की दुनिया में स्वामित्व साधन है, क्या साधन है? मोबाइल में मुरली आती है, क्लास आते हैं, अच्छे बाबा के गीत आते हैं, किचन में रखो, खाना बनाते रहो, सब्जी काटते रहो, कपड़े धोते रहो, है ना, मुरली सुनते सुनते कान, मुरली तो उसको कहते हैं कर कारणे दिल। हाँ, कर्म हाथों से करो, दिल में बुद्धि,